से हो, मैं आपके लिए एक लेटेस्ट सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो कि रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ को लेके है। बहुत सारे छात्र अब परेशान हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो आंसर किया जारी हो चुका है, तो बहुत सारे छात्रों ने अपना स्कोर देख लिया है कि उनका स्कोर कितना बन रहा है, कितने कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं और कितने कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। वो मैं इस वीडियो में कन्फर्मली बताने वाला हूँ कि आपकी कितनी कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा CBT 2 में। CBT 2 के लिए कट ऑफ बताऊँगा कि इतने में आप CBT 2 एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, और कितनी कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए देखने के बाद लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो मैं आपको एक अपडेट बताता हूँ। आप सभी को पता है रेलवे की तरफ से एक जब ये वैकेंसी का नोटिस जारी हुआ था तो उसमें रेलवे ने क्राइटेरिया रखा था। बात करें सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, फिर OBC कैटेगरी के लिए, फिर SC कैटेगरी के लिए, फिर ST कैटेगरी के। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए 100 बेसिस ने पासिंग मार्क्स जो रेलवे की तरफ से रखे गए थे वो 40 नंबर रखे गए थे, और OBC कैटेगरी के लिए उसके लिए जो रखे गए थे आपके वो रखे गए थे आपके 35 मार्क्स, और जो SC ST कैटेगरी है इनके लिए 32 मार्क्स आपके अप्रॉक्सीमेटली पासिंग रखे गए थे। अब बात करें आपकी जो आंसर की जारी हो चुकी है उसके बाद जो स्कोरिंग मार्क्स बताए जा रहे हैं, तो वो स्कोरिंग मार्क्स आपके चल रहे हैं करीब करीब 40 से 50 के बीच में आपके स्कोरिंग मार्क्स चल रहे हैं, जो कि हर जोन में स्कोर हुए हैं 40 से 50 मार्क्स। तो जो आपके नॉर्मलाइजेशन को नंबर लेके बढ़ाए जा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में हम मान लीजिए 10 से 15 नंबर आपके जोन वाइज बढ़ेंगे। हर जोन के अलग अलग नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। जिसका पेपर जितना हार्ड आया था उसमें उतने ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस है। अब बात करें कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, मान लीजिए अगर जनरल कैटेगरी मान लीजिए आपने 40 का स्कोर करा तो आप सेफ हैं। उसके बाद अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं तो 40 में मान लीजिए अगर आपके 10 या 15 नंबर में नॉर्मलाइजेशन में बढ़े तो आपके करीब करीब 55 मार्क्स हो जाएंगे, जो कि आपके CBT 2 क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी अगर 40 प्लस से स्कोर करा है, 40 प्लस से मार्क्स उनके आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में, उनके मार्क्स पक्का बढ़ेंगे। 10 से नंबर आप लगा लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए, 10 नंबर तो बढ़ने हैं, तो आपका क्लेरिफिकेशन हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे CBT 2 एग्ज़ाम देने के लिए। तो जिसके भी 40 से प्लस स्कोर हुआ है वो सभी तैयारी शुरू कर दीजिए CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। क्या अगर ये अपडेट आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।